लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये भी सत्य है वो कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर करें। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपना फैसला परिस्थिति को देख कर लें, क्योंकि दुनिया को देख कर लिया गया फैसला हमेशा ही गलत होता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 24 घंटे हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों आने वाला यह 24 घंटा आपके लिए बड़े ही खास रहने वाला है। आपको बताएंगे कि यह समय ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपके राशि पर क्या होगा। आने वाले अगले 24 घंटे में कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन किन क्षेत्रों में लाभ होगा और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी और ग्रह गोचर के आधार पर 100% सटीक जानकारियां देंगे। आने वाले 24 घंटे आपके ऊपर व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, पारिवारिक जीवन यापन के लिए, विद्यार्थियों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए व खासकर बेरोजगार लोगों के लिए यह समय कौन कौन से शुभ एवं अशुभ समाचार लेकर आने वाले हैं, इन सभी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे, तो आप जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं आपके राशिफल से। दोस्तों आज के दिन आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं रहेंगी। आप अपने वर्तमान घर या नौकरी में बदलाव का फैसला ले सकती हैं, लेकिन फैसला लेते समय दोबारा सोच विचार जरूर कर लें, ये आपके लिए उचित रहेगा। कसम कश में ना रहें, बदलाव होना अच्छा ही रहेगा। आपको किसी ऐसे आदमी से बात करके अप्रत्याशित सहायता मिल सकती है जो चुपचाप आपकी भलाई चाहता रहा है। इसके उपरांत आप बाहर से तो दिखिए शांत स्वभाव के आदमी हैं, लेकिन अंदर से आप भावनाओं के तूफान में फंसे रहते हैं। आपका शरीर भी अब इसी पैटर्न पर काम करता है और आपको कई ऐसे बार भी ऐसे शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिसके लक्षण आप कभी पहले नहीं देखे हैं। इसका सबसे अच्छा समाधान यही है कि जब तक आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास नहीं जाते, तब तक आप अपने शरीर को संतुलित बनाए रखने के लिए खूब सारा पानी पिएं, यही आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा। अगर आप किसी को पसंद करती हैं तो अपनी पसंद को जाहिर करने के लिए आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए आप किसी के समक्ष किसी के साथ जाहिर ना करें। हो सकता है कि आपको गलत समझा जाए, उस समय तक का इंतज़ार करें जब तक सामने वाला आपसे खुद बात करना न चाहती हैं, तब तक आपको इंतज़ार करना है। धीरज का फल मीठा होता है। अपनी दोस्ती और भावनाओं को नियंत्रण में रखें ताकि अपनी किसी और नियंत्रित बात या काम की वजह से आपकी जो है गलत छवि बन जाए। इस दौरान आज आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कार्य में अपने मित्रों और सहकर्मियों से सहायता मिल सकती है, मदद मिल सकती है और आपको अपना आभार देना बिल्कुल ना भूलें, और बदले में आप सभी उस समय पढ़ने पर भी उसका सहायता करें। धन एवं नकदी प्रवाह में सुधार आएगा। इस दिन अपनी आवश्यकता खर्चों पर भी लगाम लगानी होगी, क्योंकि आप कमाते तो बहुत हैं लेकिन खर्चों को देखिए है हटाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती है। खर्चे में आपको उस समय लगाम लगा कर रखना ही बेहतर रहेगा। इसके उपरांत आज आप किसी ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपकी कमियों के बारे में जानती हैं लेकिन उन्हें स्वीकार करना नहीं चाहती हैं, जैसे कि उनमें खुद में कोई कामियां नहीं है, और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही आपके लिए उचित रहेगा। उन अच्छे लोगों पर अपना ध्यान केंद्रित करें जो आपको पिछले कुछ वर्षों मिले हैं और उससे दोबारा जो है संपर्क साधने की कोशिश करें, यही आपके लिए उचित रहेगा। आपकी
शारीरिक सेहत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मानसिक तनाव की वजह से काफ़ी थकान और आलस से महसूस कर रहे हैं। आप किसी ऐसे भी किसी काम में भाग नहीं लेना चाहते हैं जिससे आपको तनाव हो। इसकी बजाय आज आप बाहर बैठकर धूप या हवा खाना चाहते हैं, आराम से दिन बिताएं, खूब पानी पिएं और कल सुबह तरोताज़ा उठने के लिए पर्याप्त नींद लें। यही आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा। आज आप अपने सभी संबंधों को नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार हैं और इस तरह से पुराने महत्वपूर्ण रिश्तों को भी आप पीछे छोड़ सकेंगे जिनका समय के साथ कुछ महत्व नहीं रह गया है। या आप अपने प्रयासों अपने मौजूद रिश्तों में देखिए नवीकृत करके अपने प्रेम ऊर्जा का भी संचार कर सकती हैं। आप इस समय ऊर्जा से ओतप्रोत हैं और आप प्रेम से भरे हुए हैं। आपको अगले स्तर तक ले जाने के लिए समय अच्छा है, उसे अगले स्तर तक ले जा पाएंगे। इस दौरान आपके लिए जो समय होंगे, आज आप उन परियोजनाओं पर अच्छी शुरुआत करें जिनको आप लंबे समय से अपने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। आप एक सफल जो है भविष्य के लिए अच्छी नींव बिछाने में बस एक कदम दूर हैं। चीज़ों को आसान तरीके से लें और